दोस्तों कंपनियां लैपटॉप की एक से एक मॉडल लेकर के मार्केट में आ रही हैं, कंपटीशन के होड़ में लगी हुई हैं। उसके अंदर आसूस तो कमाल ही कर रहा है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा डिस्प्ले, फिर कीबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले, नीचे भी डिस्प्ले, ड्यूल डिस्प्ले, और अब तो इसने बिल्कुल भी कमाल ही कर दिया है। बिल्कुल कंप्लीट दो डिस्प्ले वाला जो है ये कंप्लीट लैपटॉप लेकर के आया है, जो कि कुछ खास लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसके बारे हम लोग जानेंगे क्या प्राइसेस है, क्या इसे लेने लायक है, जिस प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है, क्या इसे बाय करने लायक है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसे कुछ लैपटॉप्स को देखने के लिए तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इस लैपटॉप के अंदर खास बात है और इस लैपटॉप के प्राइसेस क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल है, हम दो मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं कि दो ही मॉडल जो है अभी फिलहाल Amazon पर अवेलेबल हैं। पहला जो मॉडल है उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है, एक्चुअली ये 14th जनरेशन के साथ में आ रहा है, जिसकी वजह से इसका प्राइस हाई है, और साथ में ही इतने सारे इसके फीचर हैं, ड्यूल डिस्प्ले तो है ही, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट ज्यादा है। कितना ज्यादा है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है इंटेल का कोर अल्ट्रा 7155H प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, जो कि 14th जनरेशन का प्रोसेसर है, और ये 16 कोर एंड 22 थ्रेड्स के साथ में आता है। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है ये। 6 जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस कोर है और 8 इसके अंदर एफिशिएंट कोर है और 2 लो पावर एफिशिएंट कोर है, यानी कि बहुत हल्का फुल्का अगर कोई काम कर रहे हैं उस कंडीशन में लो पावर एफिशिएंट वाला कोर काम करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पावर कंजप्शन है वो कम रहेगा, बैटरी बैकअप आपको बढ़ करके मिलने वाला है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके बनाया गया है और बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर 6 परफॉर्मेंस कोर जो है आपका काम करने वाले हैं। हैवी से हैवी मल्टीटास्किंग में जो है 6 परफॉर्मेंस कोर, 8 एफिशिएंट कोर, साथ में ही जो इसके 22 थ्रेड्स काम करने वाले हैं, कहीं भी ये लैपटॉप आपका दबने वाला नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि किसी भी लेवल पर जा करके आपको परफॉर्मेंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इतना पावरफुल ये प्रोसेसर होने वाला है। इसके बूस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 4.8 मेगाहर्ट्ज़ तक ये जाने वाला है। 24 MB कैच मेमोरी के साथ में ये आता है और सबसे बड़ी बात इंटेल AI बूस्ट चिप के साथ में ये आ रहा है। ये जो चिप है वो AI फीचर के साथ में ये आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इसके अंदर जबरदस्त फीचर आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में ही इंटेल ARC ग्राफिक के साथ में ये आने वाला है, यानी कि इसके पावर का क्या कहना, बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो प्रोसेसर तो कमाल का है ही, साथ में जो डिस्प्ले है इसका मेन हाईलाइट है। 14 इंच का फुल HD IPS पैनल के साथ में डबल स्क्रीन इसके अंदर बिल्कुल सेपरेट रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही एक टच स्क्रीन वाली रहने वाली है। फुल मजा आपको देने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको किसी भी वर्क को करने में जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। HDR ट्रू ब्लैक 500 निट्स के साथ में आने वाला है, कमाल की ब्राइटनेस के साथ में भी आएगा। इसके अलावा 100% sRGB के साथ में आ रहा है, 100% DCI-P3 गेमट के साथ में आ रहा है, यानी कि कलर एक्यूरेसी में भी कोई भी कंप्रोमाइजेशन नहीं है। किसी भी लेवल से कलर एक्यूरेसी का अगर आपके पास काम है वो बिल्कुल भी आराम से कर सकते हैं। 1.07 बिलियन कलर के साथ में आ रहा है, 0.2 ms रिस्पांस टाइम के साथ में आ रहा है, लेकिन 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में ही है। मिला जुला करके जितने भी सारे वर्क होते हैं बहुत ही स्मूथली करने वाले हैं आप इस पर। स्टॉक ट्रेडिंग अगर आपको इधर उधर जाना रहता है, ड्यूल स्क्रीन का काम है, स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो एक ही लैपटॉप में डबल स्क्रीन आपको मिल जा रही है, मजे से वर्क कर सकते हैं। चूंकि टच स्क्रीन के साथ में है तो आसूस का पेन भी इसके साथ में आ रहा है, ताकि बिल्कुल आराम से आप इसको ऑपरेट कर सकें। बाकी स्टोरेज एंड रैम की बात करें तो 32GB LPDDR5X रैम लगी हुई है, अल्ट्रा हाई स्पीड वाली, जो कि ऑनबोर्ड लगी हुई है, आप उसको निकाल नहीं सकते। वैसे 32GB बहुत है, इससे ऊपर की जरूरत भी नहीं रहने वाली है। 1TB Gen 4 की SSD है, जिसको आप जो है 2TB तक अपग्रेड कर पाएंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 बिल्कुल लेटेस्ट है दोनों ही, जो कि इसके अंदर आपको मिल रहा है। बाकी बैटरी की बात करें तो 75Wh की बैटरी है, 65W का जो है टाइप सी का जो है चार्जर इसके साथ में मिलने वाला है, 60% जो है आपको 50 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो दो इसके अंदर
थंडरबोल्ट 4 इसके अंदर पोर्ट मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप इस पर मल्टीपल डिस्प्ले भी जो है कनेक्ट कर पाएंगे, साथ में ही पावर डिलीवरी भी कर रहा है, हाई स्पीड डाटा को ट्रांसफर भी करेंगे ये, क्योंकि थंडरबोल्ट 4 है तो कोई कंप्रोमाइज की जरूरत नहीं है। साथ में HDMI 1.4 जो कि 4K डिस्प्ले आउट करेगा, और एक USB 3.2 Gen 1 का टाइप ए मिल रहा है, और 3.5 का कॉम्बो जैक इस पर देखने को मिल रहा है, यानी कि यूज के लिए बहुत ही इसको यूजफुल बनाया गया है। सारे पोर्ट से जो है आप यूज करके एक बहुत ही बेहतरीन डेस्कटॉप के रूप में भी आप इसको यूज कर पाएंगे। बाकी कैमरे की बात करें तो कैमरा इसके अंदर फुल HDIR कैमरा है, जिसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। वीडियो कॉलिंग्स वगैरह में कहीं पर भी बैठे हुए, अंधेरे में भी बैठे, लाइट्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर आपकी वीडियो कॉलिंग इस पर होगी। चाहे मीटिंग्स वगैरह में है, बिल्कुल क्लियर जो है आपको इसके अंदर मिलने वाला है जो वीडियो क्वालिटी है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 11 है, एमएस ऑफिस 2021 के साथ में मिलेगा। कीबोर्ड्स की बात करें तो फुल साइज का बैकलिट कीबोर्ड है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्ट के साथ में भी है, यानी कि वो डिटैचेबल है, आप उसको निकाल भी सकते हैं, दोनों स्क्रीन को टच के साथ में यूज कर सकते हैं, और कीबोर्ड को अटैच कर देते हैं तो वैसे भी अटैच होगा, उसको बाहर निकाल देते हैं तो उसके अंदर एक बैटरी भी है, जिसके माध्यम से ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होकर के अलग से काम करेगा, और उसको कनेक्ट कर देंगे तो उसी जो लैपटॉप है, लैपटॉप से ये इसकी बैटरी चार्ज भी हो जाएगी। और साथ में बैकलिट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की जो टेक्स्ट है वो सब चमकते रहते हैं लाइट के साथ में, इसलिए नाइट में भी आपको काम करने की दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बाकी अदर फीचर की बात करें, फेस अनलॉक के साथ में ये आ रहा है, स्मार्ट चार्जिंग के साथ में है, AI नॉइस कैंसिलेशन के साथ में ये आ रहा है, इंटेल EVO सर्टिफाइड लैपटॉप है ये, यानी बहुत सारे फीचर इसके अंदर एडवांस मिल रहे हैं, जिसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। बहुत ही कमाल का लैपटॉप होने वाला है। इसका प्राइस क्या है अभी हम बताएंगे दोनों का ही, बाकी नेक्स्ट वाले मॉडल के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट वाला मॉडल है उसके अंदर सारी चीजें एग्जैक्टली वही रहने वाली है, इसके अंदर प्रोसेसर और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलने वाला है, इंटेल कोर अल्ट्रा 9185H प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि 14 जनरेशन का ही है। इसके अंदर 16 कोर मिलने वाला है, 22 थ्रेड्स, और इसके अंदर जो 6 परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंट कोर मिलने वाला है, और 2 लो पावर एफिशिएंट कोर मिलने वाला है। तो इसका जो परफॉर्मेंस रहने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, कहीं से भी कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। कितना भी हाई एंड आप वर्क कर रहे हो, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस ये देने वाला है। बाकी इसका जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 5.1 गीगाहर्ट्ज़ है, जो कि बहुत ही जबरदस्त वर्क करने वाला है। बाकी AI फीचर से लेस है, ARC ग्राफिक इसके अंदर भी रहने वाला है, यानी प्रोसेसर बहुत ही हाई एंड है। इसके साथ बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी लेवल का वर्क कर रहे हो। बाकी जो डिस्प्ले है वो वही है, 14 इंच का टच स्क्रीन वाला डबल स्क्रीन इसके अंदर मिल रही है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली वही है। बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है, लेकिन अगर हम वर्क प्रोफेशनल की बात करें तो चूंकि लेटेस्ट जनरेशन है, अभी इसका प्राइस रहेगा ही, अगर जिनको बजट का इशू नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको बजट का इशू है वो थोड़ा सा इसका वेट करें, एक आध साल बाद इसका प्राइस सही आएगा। लेकिन आज के अगर हम डबल स्क्रीन की ही बात करें, और भी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, जिसके वजह से हम और डिस्प्ले को ऐड करके हम काम कर सकते हैं, जो कम पैसे में हो जाएगा, लेकिन ये अभी फिलहाल काफी महंगा है। अभी इसके प्राइस की बात करें तो जो फर्स्ट वाला जो मॉडल था वो है 1,99,990, यानी करीब करीब 2,00,000 रुपए, और जो दूसरा मॉडल है वो 2,18,990, यानी कि 2,19,000 के आसपास में है। चूंकि लेटेस्ट है, नया कंसेप्ट है, इसकी वजह से प्राइसेस हाई है, लेकिन ये आम नागरिक के लिए नहीं है, खास करके जिनको बजट का इशू रहता है उनके लिए वेट करना होगा। उनके लिए तो जुगाड़ी बहुत सारा मैंने बना रखा है, मल्टी स्क्रीन अगर जोड़ना ही है, ऐड ही करना है, तो डेस्कटॉप लीजिए, उसमें मल्टी स्क्रीन यूज कर लीजिए, या फिर थंडरबोल्ट वाला कोई सा भी लैपटॉप ले लीजिए, 12 जनरेशन 13 जनरेशन, जिसके अंदर थंडरबोल्ट हो, और उसमें जो है डॉकिंग स्टेशन लगा करके आप मल्टीपल स्क्रीन जो है ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और उस पर आप अपना काम कर सकते हैं। सारे वीडियोस मैंने दे रखा है, जो आपके हिसाब से सूटेबल हो वो आप वीडियो देख करके आप अपने लिए कंप्लीट सेटअप जो है आप बना सकते हैं। ये वीडियो था इंफॉर्मेशन वीडियो, जो कि मार्केट में जो भी आएगा वो इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। बाकी अगर आपको बजट का इशू नहीं है, बिल्कुल आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।